टाटा ये केवल एक बिजनेस ग्रुप नहीं बल्कि देश के भरोसे का नाम है, क्योंकि इसने इंडियन बिजनेस का चेहरा ही बदल दिया। टाटा ग्रुप ने देश को वो सब कुछ दिया जिसकी देश को जरूरत है। देश का पहला स्टील प्लांट, 5-स्टार होटल, पहली एयरलाइंस, पहला कैंसर हॉस्पिटल और इसके अलावा भी बहुत कुछ। दोस्तों, इस टाटा ग्रुप ने लाखों लोगों को रोजगार दिया हुआ है और इसी के चलते आज टाटा ग्रुप के पास 100 से भी ज्यादा कंपनियां हैं। और दोस्तों, दुनिया के 100 से भी ज्यादा देशों में टाटा के ब्रांचेस बनी हुई है। और इतना ही नहीं, टाटा ग्रुप इंडियन आर्मी और रेलवे के बाद देश की तीसरी सबसे रोजगार देने वाली कंपनी है, जिसमें 9,35,000 से भी ज्यादा लोगों को रोजगार दे रखा है। और इंडिया की जीडीपी की बात करें तो देश की कुल जीडीपी का 4% हिस्सा टाटा ग्रुप से आता है। और इसी के चलते दोस्तों, टाटा आज के दिन इंडिया की सबसे फेमस और सक्सेसफुल कंपनी बन गई है। लेकिन ये कंपनी रातों रात इतनी बड़ी नहीं बन गई, इसे इस मुकाम तक जाने के लिए 200 साल का समय लगा है। दोस्तों, आइए वीडियो में जानते हैं टाटा कंपनी की पूरी कहानी, क्या रीजन है टाटा कंपनी की इतनी सक्सेस के पीछे का, सब कुछ जानेंगे, बस बने रहे वीडियो के आखिर तक। दोस्तों, कहानी की शुरुआत होती है 1822 में, यानी आज से करीब 200 साल पहले, जब गुजरात के नवसारी में एक पारसी परिवार के घर में एक लड़का जन्म लेता है, नुसरवानजी टाटा। दोस्तों, नुसरवानजी टाटा बचपन से ही सभी से अलग थे। उसके मन में चाह थी कुछ अलग और बड़ा करने की। इसी वजह से सिर्फ 20 साल की उम्र में ये अपनी पत्नी जीवन बाई और उनके एक बेटे के साथ अपना गांव छोड़कर मुंबई चले गए। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि उस समय में बाल विवाह बड़ी आम बात हुआ करती थी। दोस्तों, नुसरवानजी टाटा मुंबई में जाकर कॉटन ट्रेडिंग का बिजनेस करने लगे और बिजनेस से जितना भी पैसा आता वो अपने बेटे की पढ़ाई में लगा देता, क्योंकि ये पढ़ाई पर कोई कंप्रोमाइज नहीं करना चाहते थे। और अपने बेटे को एल्फिनस्टोन कॉलेज से ग्रेजुएशन कराते समय 16 साल में ही उनकी शादी हीराबाई के साथ करा दी। 1858 में जब जमशेदजी 19 साल के थे और हमारा देश अंग्रेजों का गुलाम था, उस समय अमेरिका कॉटन का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर देश था और अंग्रेज ज्यादातर कॉटन अमेरिका से ही इम्पोर्ट किया करते थे। लेकिन उस दौरान अमेरिका में सिविल वॉर शुरू हो गया, वहाँ से कॉटन की सप्लाई बंद हो गई, जिसका असर यह हुआ कि इंडिया में कॉटन की डिमांड कई गुना बढ़ गई और जमशेद जी अपने पिता के साथ कॉटन बिजनेस में पूरी तरह साथ देने लगे। उनके पिता नई टेक्नोलॉजी को काफी जरूरी मानते थे और उसने टेक्सटाइल इंडस्ट्री को समझने के लिए जमशेद जी को दुनिया के कई अलग अलग देश में भेजा, जिसके चलते जमशेद जी ने यूरोप, चीन, जापान और यूएसए में अपने ब्रांच शुरू कर दी। लेकिन उस समय में अभी भी एरोप्लेन और टेलीफोन की शुरुआत नहीं हुई थी। जब जमशेद जी बिजनेस के चलते हांगकांग के दौरे पर थे, तब उनकी आंखें खुली और उसे महसूस हुआ कि दुनिया हमसे कई गुना आगे है और देश को अगर दुनिया की बराबरी करनी है तो टेक्नोलॉजी, एजुकेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर और एम्प्लॉयमेंट पर हमें काफी ध्यान देने की जरूरत होगी। जमशेद जी एक देशभक्त इंसान थे और उन्होंने एक ऐसा बिजनेस डेवलप करने का सोचा जो देश को आत्मनिर्भर बनाने के साथ साथ लोगों को अच्छी शिक्षा और रोजगार भी दे। और इस सोच ने साल 1868 में 21,000 रुपए के साथ जमशेद जी ने ट्रेडिंग कंपनी की शुरुआत की और साथ ही मुंबई में एक पुरानी तेल की मिल खरीदकर अलेक्जेंड्रा के नाम पर कॉटन मिल में कन्वर्ट कर दिया। हालांकि इस मिल को 2 साल चलाने के बाद उन्होंने इसे अच्छे दाम में बेच दिया और उन्होंने उस पैसे से मुंबई पोर्ट के 800 किलोमीटर दूर नागपुर में इम्प्रेस मिल नाम से एक कॉटन मिल की शुरुआत की। लेकिन उनके यह अजीब से फैसले का सबने मजाक उड़ाया, क्योंकि देखा जाए तो उनका पूरा बिजनेस ही एक्सपोर्ट पर निर्भर था और मुंबई पोर्ट से 800 किलोमीटर दूर मिल लगाना किसी को समझ नहीं आया। लेकिन जमशेद जी ने यह फैसला दुनिया घूमकर इकट्ठा किया अपने एक्सपीरियंस के आधार पर लिया था। दोस्तों, दरअसल नागपुर में कॉटन का प्रोडक्शन होता था और वहाँ सस्ते में लेबर मौजूद था और वहाँ ट्रेन से मुंबई पोर्ट की कनेक्टिविटी भी काफी अच्छी थी और यही रीजन के चलते जमशेद जी ने यहाँ पर बिजनेस स्टार्ट किया। यह बिजनेस बहुत चला और सैकड़ों लोगों को रोजगार मिला और टाटा ग्रुप धीरे धीरे फेमस होने लगा। एक तरफ जहां अंग्रेज हुकूमत हम भारतीयों को नौकर समझती थी और हमारे मजदूर भाइयों पर वहां दिन रात जानवरों की तरह काम कराते थे, वही जमशेद जी ने एम्प्लॉयर्स वेलफेयर के बारे में सोचना शुरू कर दिया और इम्प्रेस मिल कर्मचारियों के लिए प्रोविडेंट फंड
इंश्योरेंस और ग्रेट्यूटी जैसी स्कीम की शुरुआत की और फैक्ट्री में वर्किंग कमोडिशन सुधारने के लिए नौकरी का समय 8 घंटे का कर दिया गया। सुरक्षा के उपकरण लगाए गए और बिना सैलरी कटौती के छुट्टियां की शुरुआत भी जमशेद जी ने की थी। दोस्तों, जमशेद जी के 4 ऐसे ड्रीम थे जिनके बिना देश की तरक्की पॉसिबल ही नहीं थी और उनके वो 4 सपने में से एक सपना था आयरन और स्टील कंपनी की स्थापना करना जिससे देश का इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक हो सके और दूसरा सपना 5-स्टार होटल की स्थापना करना क्योंकि उन दिनों इंडियन को यूरोपियन होटल में एंट्री नहीं मिलती थी और एक वर्ल्ड क्लास एजुकेशन इंस्टीट्यूट खोलना और लास्ट सपना था हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट बनाने का जिससे हमारे इंडस्ट्री का तेजी से विकास हो। और उनके यह सपने पूरे करने के लिए उनके दोनों बेटे दोराबजी टाटा और सर रतन टाटा पूरे जी जान से उनके साथ लगे रहते थे। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि हमारे रतन टाटा सर के ग्रैंडफादर यानी दादाजी का नाम भी रतन टाटा ही था। साल 1903 में जमशेद जी का एक सपना हकीकत में तब बदला जब मुंबई के कोलाबा तट पर इंडिया का पहला 5-स्टार ताजमहल होटल खोला गया जो देश का पहला ऐसा होटल था जिसमें बिजली आती थी और बाकी के 3 बचे सपनों से भी वह काफी करीब थे। लेकिन दुर्भाग्य से 1904 में जर्मनी में उनकी डेथ हो गई। जमशेद जी टाटा के बाद उनके बड़े बेटे दोराबजी टाटा टाटा ग्रुप के चेयरमैन बने लेकिन उनके ऊपर प्रेशर था अपने पिता के अधूरे काम को पूरा करने का और काफी मुश्किलों के बाद साल 1907 में उन्होंने टाटा आयरन एंड स्टील की स्थापना की जिसे आज हम टाटा स्टील के नाम से जानते हैं। और अब समय था जमशेद जी के बाकी बचे 2 सपनों को पूरा करने का जिसे दोराबजी टाटा ने 1909 में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस और 1911 में टाटा पावर को बनाकर पूरा कर दिया। दोराबजी को बिजनेस के अलावा गेम्स में भी काफी इंटरेस्ट था और भारतीय खेलों को प्रमोट करने के लिए इंडियन ओलंपिक की शुरुआत भी उन्होंने ही की थी। आगे चलकर जब भारतीय ओलंपिक संघ बनाया गया तब दोराबजी टाटा को उनके पहले अध्यक्ष बनाए गए। दोराबजी टाटा की शादी मेहर बाई से हुई थी लेकिन दुर्भाग्य से दोराबजी की कोई संतान नहीं हुई और उन्होंने अपनी सारी प्रॉपर्टी एक ट्रस्ट बनाकर चैरिटी में दान कर दी जिसे आज हम दोराबजी टाटा ट्रस्ट के नाम से जानते हैं। उनकी वाइफ मेहर बाई की कैंसर से मौत हो गई जिसके बाद दोराबजी ने स्पेशली कैंसर में रिसर्च के लिए लेडी टाटा मेमोरियल ट्रस्ट भी शुरू किया और एक साल के भीतर ही 1932 में उनकी भी डेथ हो गई। दोराबजी के छोटे भाई सर रतन टाटा का बिजनेस से ज्यादा सोशल एक्टिविटी में इंटरेस्ट था। उन्होंने देश की आज़ादी के लिए गोपाल कृष्ण गोखले और महात्मा गांधी को भी आर्थिक मदद की थी और इन्होंने भी अपनी सारी संपत्ति परिवार को देने की बजाय एक ट्रस्ट बनाकर उसमें दान कर दी जिसे हम सर रतन टाटा ट्रस्ट के नाम से जानते हैं। दोराबजी के बाद टाटा ग्रुप का कमान नौरोजी सकलतवाला को दी गई। दोस्तों, जमशेद जी टाटा उसके मामा थे और उनके सपनों को पूरा करने में सकलतवाला ने दोराबजी टाटा के साथ मिलकर दिन रात कड़ी मेहनत की थी। और आपको जानकर हैरानी होगी कि टाटा ग्रुप में नौरोजी सकलतवाला की करियर की शुरुआत मुंबई के स्वदेशी मिल से 50 रुपए महीने की पगार पर एक क्लार्क के रूप में हुई थी। सकलतवाला को कंपनी की कमान उस समय सौंपी गई जब दुनिया मंदी के चपेट में थी लेकिन उन्होंने कंपनी की ग्रोथ को बरकरार रखा। लेकिन साल 1938 में हार्ट अटैक से उनकी मौत हो गई। और दोस्तों, अब हम बात करेंगे टाटा ग्रुप के अगले और सबसे मजबूत लीडर JRD टाटा के बारे में जिन्होंने टाटा ग्रुप को दुनिया के हर कोने में पहुंचा दिया। 50 साल तक वह टाटा ग्रुप के चेयरमैन बने रहे और उन दिनों में 100 मिलियन डॉलर और 50 कंपनी से उन्होंने टाटा ग्रुप को 5 मिलियन डॉलर और 95 कंपनी का ग्रुप बना दिया। वह देश के एक लौते इंडस्ट्रियल थे जिन्हें भारत रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया। दोस्तों, JRD टाटा का बचपन फ्रांस में बीता था क्योंकि उनकी माँ फ्रांस की रहने वाली थी और JRD टाटा वहाँ पर एक पायलट भी थे क्योंकि उन्हें प्लेन उड़ाना बहुत पसंद था। और 1929 में उनको इंडिया का पहला कमर्शियल पायलट का लाइसेंस मिला। 1932 में JRD टाटा ने टाटा एयरलाइन की स्थापना की जिन्हें 1953 में भारत सरकार ने एयर कॉरपोरेशन एक्ट के तहत अपने कंट्रोल में लेकर एयर इंडिया का नाम दे दिया। इस तरह सरकार ने उनकी सबसे पसंदीदा चीज उनसे छीन ली। हालांकि JRD टाटा 1977 तक एयर इंडिया के अध्यक्ष बने रहे और साथ ही टाटा ग्रुप के बिजनेस का विस्तार भी अलग अलग सेक्टर में करना शुरू कर दिया। 1939 में टाटा केमिकल की शुरुआत हुई जिसके जरिए शुरू किया गया टाटा नमक
आज देश का नमक के रूप में जाना जाता है। 1936 में टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस, 1941 में मुंबई में शुरू किया गया एशिया का पहला टाटा मेमोरियल कैंसर हॉस्पिटल, 1945 में टाटा मोटर्स, 1954 में वोल्टास, 1968 में टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज और साल 1987 में टाइटन इंडस्ट्री की शुरुआत की गई, और इस तेजी से बढ़ते एम्पायर की सबसे बड़ी वजह थी टाटा की एम्प्लॉयज। ढेर सारे ऐसे किस्से हैं जो बताते हैं कि JRD टाटा अपने कर्मचारियों का कितना ख्याल रखते थे, और जमशेद जी ने एम्प्लॉयज के लिए जो स्कीम शुरू की थी उसे उन्होंने टाटा ग्रुप की सभी कंपनियों में लागू कर दी। भारत में 1991 का साल जो इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन का साल था, और गवर्नमेंट ने फॉरेन कंपनी के लिए इंडिया मार्केट को ओपन कर दिया था, जिसका नतीजा यह हुआ कि कंपटीशन की वजह से टाटा ग्रुप मुश्किल दौर से गुजरने लगा और कर्ज का बोझ बढ़ने लगा। फिर रतन टाटा सर टाटा ग्रुप के चेयरमैन बने, और सबसे पहले उन्होंने टाटा ग्रुप की सभी कंपनियों पर ध्यान देकर उन्हें मजबूत बनाया, और फिर दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनीज का एक्विजिशन करना शुरू कर दिया। साल 2000 में टेटली को खरीदा, साल 2007 में कोरूस ग्रुप को, और साल 2008 में जैगवार और लैंड रोवर खरीद कर दुनिया को हैरान कर दिया। बिजनेस में अपना झंडा गाड़ने के साथ ही उन्होंने टाटा परिवार की परंपरा आगे बढ़ाते हुए टाटा ट्रस्ट का निर्माण किया, जो आज देश की सबसे बड़ी चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन में से एक है। 2012 में एक सिलेक्शन कमेटी के जरिए साइरस मिस्त्री को टाटा ग्रुप का अगला चेयरमैन बनाया गया। दोस्तों, आपके जानकारी के लिए बता दूं कि रतन टाटा के सौतेले भाई नोएल टाटा की शादी साइरस मिस्त्री की बहन से हुई थी। इस तरह से देखा जाए तो रतन सर और साइरस मिस्त्री के बीच जीजा और साले का रिश्ता था, लेकिन टाटा ग्रुप का मैनेजमेंट साइरस मिस्त्री के काम से रतन टाटा सर सेटिस्फाई नहीं थे, इसलिए रतन टाटा सर कंपनी के मामलों में सक्रिय रूप से भाग लेते रहे, और साल 2016 में साइरस मिस्त्री को टाटा ग्रुप के चेयरमैन पद से हटा दिया गया। उसके बाद 2017 में चंद्रशेखरन को टाटा ग्रुप का चेयरमैन बनाया गया, जिन्होंने 30 सालों तक TCS में काम किया था, और आज भी टाटा ग्रुप उनके लीडरशिप में ही तेजी से आगे बढ़ रहा है। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि अब तक टाटा ग्रुप ने इंडिया को 8 लाख करोड़ से भी ज्यादा रुपए का दान किया है, जो मुकेश अंबानी की पूरी संपत्ति से भी ज्यादा है। दोस्तों, ऐसे महान रतन टाटा सर के लिए एक लाइक तो बनती है, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो में।